ग्रंथा क्लासेस के लिए चारों पर आप लोगों का स्वागत है। ग्रंथा क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप क्लास 9, 10, 11, 12 के साथ साथ जे मेन्स एंड एडवांस जैसे एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम खर्च में कर सकते हैं। ओके, तो हम ट्रिमनाड का फोर्थ लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें पढ़ेंगे सारस्वत। सारस्वत में कुछ नहीं है, ये एक ट्रिमनाड का एक्सपेंड करने का एक नया तरीका है, ठीक है, जिसको सारस साहेब ने दिया था। तो चलिए देखते हैं सारस्वत क्या होता है। लेट्स मान लेते हैं बच्चों हमको ये कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, ठीक है, जिसको मैंने एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये वैल्यू मिला। ओके, मैं इस वैल्यू को और आगे सॉल्व करके इसमें जो पॉजिटिव नंबर है उसको एक साथ एंड नेगेटिव नंबर जो है उसको एक साथ अरेंज कर देता हूँ। ओके, तो चलिए बच्चों लेट्स मान लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 × 2 × 2 × C3 माइनस ये 1 × V3 × C2। ओके, एंड माइनस V1 × A2 × C3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो V1 A3 × C2 + C1 A2 V3 − C1 A3 × V2। ओके, अब बच्चों क्या करता हूँ, इसमें जो पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहे हैं या तो पॉजिटिव बिट है उसको मैं एक साथ एंड नेगेटिव नंबर जो है उसको मैं एक साथ रीअरेंज कर देता हूँ। ओके, तो चलिए देखिए हमें पॉजिटिव ये नंबर नजर आ रहा है A1 × A2 × C3 प्लस एक पॉजिटिव नंबर ये है V1 A3 × C2 एक पॉजिटिव नंबर ये प्लस C1 A2 V3। ओके, एंड नेगेटिव नंबर जो दिखाई दे रहा है उसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ, तो फर्स्ट नेगेटिव नंबर ये बच्चों ये है एंड ये है इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ। दिखाया जाए मुझे A1 V3 × C2 माइनस B1 A2 × C3 माइनस ये है C1 A3 × B2। ओके, मैं यहाँ से कर रहा हूँ नेगेटिव कॉमन लेता हूँ माइनस को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके बच्चों, अब चलिए मैं सारा सूत्र को समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो सारा सूत्र बोलता है कि आपको जो नंबर दिया है उसको पहले लिख लीजिए। ओके, तो हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया गया बच्चों A1 A2 और A3 ये सब हमारे डिटरमिनेंट क्या है इवेंट्स है। ओके, B1 B2 V3 C1 C2 C3 एंड सारा सूत्र के अनुसार कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड के वैल्यू को आप एक बार और लिख दीजिए। तो A1 A2 और A3 B1 B2 और B3। ओके बच्चों, अब ये जो ए एलिमेंट दिखाई दे रहा है तो ए एलिमेंट के डायगोनल में जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है उसको आप पॉजिटिव साइन के साथ लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले ये हो गया एक नंबर, तो यहाँ पर देखिए A1 × B2 × C3 तो मुझे यहाँ से ये नंबर मिल रहा है। ओके बच्चों, एंड B1 के डायगोनल में जितने एलिमेंट है उसको मैं ले लेता हूँ, तो B1 B1 A3 और C2 तो मुझे सेकेंड में ये नंबर मिला। ओके, अब इसके बाद क्या करता हूँ, C1 के जितने भी डायगोनल में एलिमेंट दिखाई दे उसको मैं ले लेता हूँ। ओके, तो देखिए हमें दिखाई दे C1 A2 और B3 तो ये भी सही आ रहा है, ठीक है। अब इसके रिवर्स डायरेक्शन में चलता हूँ तो सबसे पहले मैं ये पुट कर लेता हूँ नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि रिवर्स मतलब क्या पॉजिटिव आ रहा है इसलिए हम नेगेटिव लेंगे साइन। ओके, ये सारे क्या थे पॉजिटिव साइन के साथ मैंने ये सब को लिया था एंड इसके रिवर्स मार रहे, तो सबसे पहले मैं ये लेता हूँ नेगेटिव साइन के साथ। ओके बच्चों, तो ये होगा माइनस। तो देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है B1 जो यहाँ पर है एंड A2 और C3 है, तो यहाँ से ये टर्म मिल रहा है। ओके, सेकेंड में मैं इसे लेता हूँ नेगेटिव साइन के साथ, तो बच्चों देखिए यहाँ पर B3 और C2 और A1 है, तो ये भी सही आ रहा है। ओके, एंड थर्ड में देखिए मैं इसे लेता हूँ नेगेटिव साइन के साथ, तो बच्चों हमें दिखाई देगा A3 बिल्कुल है, B2 बिल्कुल है, X1 बिल्कुल है, यस का मतलब कि सारा सूत्र बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंडिंग जो है हम इस तरीका से भी कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स मान लेते हैं जो डी पर और मुझे कोई डिटरमिनेंट दिया गया है 1 2 3 सो हम मान लेता हूँ 1, ठीक है, 2 0 2
ओके, और मुझे इसे सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू सारस रूल, ओके। तो सारस रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले जो इनपुट दिया गया उसको आप लिख लीजिए, तो 1 2 1 2 0 1 1 2 2, और ये बोलता है कि कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एलिमेंट को आप एक और बार लिख लीजिए। तो मैं लिखता हूँ बच्चों 1 2 1 2 0 1, अब बोलता है कि एक के क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट को आप क्या कीजिए, नहीं एक के डायगोनल एलिमेंट को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो बच्चों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पॉजिटिव साइन के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस और टू के जितने डायगोनल एलिमेंट उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 2 2 4, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, ओके। अरे इसके डायगोनल एलिमेंट क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ पॉजिटिव साइन, तो 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से 2 होगा, 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, तो क्या होगा, 2 होगा, ओके। इसके बाद इसके रिवर्स डायरेक्शन में आता हूँ मैं, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 में 3 और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से 3 है 8 मिलेगा। इसी प्रकार से इसको कीजिए क्या हो जाएगा, प्लस 2 एंड इसको कीजिए ये 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, क्या होगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, एंड अगर मैं 6 को माइनस 10 के साथ ऐड करता हूँ तो हमारे पास माइनस 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रूल बहुत ही अच्छा रूल है, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, हम इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ओके बच्चों। तो मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है कि हमें एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को क्या करना है, कंसिडर करना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रिलेशन दिया गया है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, तो हमें दिया गया क्या बच्चों, देखिए मैं इसे सॉल्यूशन करता हूँ। हमें दिया गया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे, जिसमें आई जो है वे रो को शो कर रहा है एंड जे जो है कॉलम को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से करते थे बच्चों, ए वन वन जिसमें वन जो है रो एंड वन कॉलम को शो करता था, एंड ए वन टू एंड ए वन थ्री, ओके, एंड ए टू वन एंड ए टू टू एंड ए टू थ्री एंड ए थ्री वन एंड ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री, ओके। अब देखिए हमें यहाँ पर रिलेशन दिया है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, ओके बच्चों। तो मैं अगर यह इसके लिए मैं इस एलिमेंट का वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, ए आई यहाँ पर मुझे पता है ए आई एंड जे बराबर आई प्लस जे, ओके। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, ए वन वन बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ओके। और इसके लिए मैं करता हूँ ए वन टू क्या हो जाएगा, ए वन प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, एंड ए वन थ्री बराबर क्या हो जाएगा, ए वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट रो के लिए सारे वैल्यू को हर्ड कर लिया, ओके बच्चों। एंड इसके लिए मैं करता हूँ रो सेकेंड के लिए, तो ए टू वन इज इक्वल टू टू प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, एंड ए टू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, एंड ए टू थ्री बराबर क्या हो जाएगा, टू प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, फाइव हो जाएगा। एंड मैंने रो सेकेंड के लिए वर्क कर लिया, अब क्या करता हूँ कि रो थर्ड के लिए मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो ए थ्री वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, एंड ए थ्री टू इज इक्वल टू थ्री प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, एंड ए थ्री थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास फाइनल डिटरमिनेंट मिलेगा डी बराबर डी बराबर मुझे मिलेगा, देखिए ए वन वन की का वैल्यू कितना है रो फर्स्ट में, टू, इस प्रकार से वन टू का आया थ्री फोर, मैं लिखता हूँ टू थ्री फोर, एंड इस प्रकार सेकेंड में थ्री फोर फाइव एंड फोर फाइव सिक्स, ये हमारा आंसर आया। और कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेप करते हैं।